गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैड डिस्कस अबाउट फ्रेज इन इंग्लिश ग्रामर. टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद. सो लेट्स स्टार्ट. सेंटेंसेस विभिन्न प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य. असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं. द सेंटेंस विच स्टेट्स और डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और ए स्टेटमेंट. वह वाक्य जो वस्तुओं से संबंध बताता है अथवा घटना की जानकारी देता है, साधारण वाक्य अथवा कथन कहलाता है. असर्टिव सेंटेंस को हम कथनवाचक वाक्य भी बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वस्तु से हमारा संबंध बताता है, या फिर हमें किसी घटना की जानकारी देता है, या फिर कोई कथन कहता है, तो वो साधारण वाक्य होता है. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, सी इज ए फेयर गर्ल. देखो, लड़की कैसी है? फेयर. तो इसका संबंध कहीं से होगा, लड़की का, गर्ल का, फेयर से. सेकंड, राम राइट्स नियरली. राम कैसे लिखता है? नियरली, साफ सुंदर लिखता है, तो इसका संबंध इससे हो गया. थर्ड, वी डू नॉट ईट फिश. हम मछली नहीं खाते हैं. तो हम ये किसी के बारे में बताया जा रहा है मछली के बारे में कि वो मछली नहीं खाता है, तो हम मछली नहीं खाते हैं. सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है किसी व्यक्ति से, उसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं. कल बताया था आपको. डेफिनेशन देखते हैं. ए सेंटेंस विच आस्क अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ए क्वेश्चन. यानी कि एक ऐसा वाक्य जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है. जिस वाक्य द्वारा कुछ पूछा जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न कहलाता है. प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी व्यक्ति से किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में प्रश्न करते हैं. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, कल आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दिया होगा उसके लास्ट में क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो किसी, जब भी किसी क्वेश्चन में पर्सन क्वेश्चन किया जाता है ऐसे किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा लास्ट में. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. ये हमने किसी से पूछा है कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. सेकंड, हु इज़ योर फादर. तुम्हारे पिता कौन है. अब देखो, इसमें भी हम किसी से पर्सन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाता है.